ओके सो आज हमारा बूटस्ट्रैप का 6th लेक्चर है एंड इसमें हम करेंगे नेव बार्स के टॉपिक को कवर करेंगे। सो नेव बार्स में मैं अभी आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, नेव बार बूटस्ट्रैप में क्रिएट करने के लिए आप जो क्लास यूज़ करते हो उसका नाम है नेव बार। पहली तो चीज़ ये है कि आपने नेव का ही टैग यूज़ करना नेव बार बनाने के लिए, डिव वगैरह का यूज़ नहीं करना। उसकी रीज़न ये है क्योंकि आप यूज़ कर रहे हो HTML5। HTML5 के अंदर नेव बार के लिए जो यूज़ किया जाता है टैग वो क्या है, नेव। काम ये डिव की तरह ही करता है लेकिन टैग एक सेपरेट है। इसी तरह मैंने बोला था कि जब हम साइड बार की बात करते हैं उसके लिए साइड का टैग यूज़ किया जाता है, हेडर के लिए हेडर का टैग यूज़ किया जाता है, फुटर के लिए फुटर का टैग है, साइड बार ये जिस तरह आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं, इन्होंने अभी नेव देखते हैं इसको। ये सिर्फ आपने समझ नहीं आया कि काम किस तरह से करता है। अच्छा भैया देखो, अभी इनने क्लास दी है इस पर नेव बार की। नेव बार इनवर्स को मैं अगर हटा देता हूँ तो ये ब्लैक कलर ख़त्म हो जाएगा और ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, नेव बार इनवर्स जो है वो किस चीज़ का काम कर रही है, ब्लैक कलर का। बैक एंड भी ब्लैक कर रही है और ये जो ऊपर लिखा हुआ है उसका भी कलर जो है वो चेंज कर रही है। ठीक है, हाँ। कंटेनर फ्लूइड का आपको पता है, अगर मैं खाली कंटेनर लिखूंगा तो फिर क्या होगा, थोड़ा पैडिंग शेडिंग जो है वो ज़्यादा अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, कंटेनर फ्लूइड लिखा इसलिए है क्योंकि थोड़ी सी बस पैडिंग अप्लाई हो, ज़्यादा ना हो। नेबर हेडर, नेबर हेडर आप लिखोगे जो नेबर के अंदर फर्स्ट पे आपका जहाँ पे लोगो वगैरह आना है या जहाँ पे वेबसाइट का नाम आना है उसके लिए आप क्या लिखोगे, नेबर हेडर। इसकी डिव बनाओगे, इसके बाद आप एक ए का टैग लिखोगे नेबर ब्रांड की, उसको क्लास दोगे, उसके अंदर आपकी वेबसाइट का जो भी नाम होगा XYZ करके जो कुछ भी है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। कहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप इमेज भी लगा सकते हैं, IMG का टैग यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे है इन्होंने एक जो मेन्यू आइटम्स बनाई हैं यहाँ पे, इनको किस तरह से किया है, एक यूएल क्रिएट किया है उसके अंदर एलाइज रखी हैं डिफरेंट, इनको टैग दे दिया नेव का, ऊपर दिया था नेव बार का और इसमें क्या दिया है, नेव नेव बार नेव नेव, और दूसरी क्लास क्या है, नेव बार नेव। जैसे अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, लेट सी। ठीक है, अच्छा क्लास आप जिसको भी दोगे एक्टिव की उसके ऊपर जस्ट लाइक वो होम पे आप देख रहे हो भी आ रहा है, ठीक है ना, होवर आ रहा था तो उस तरीके से वो एक्टिव हो जाएगी। क्लियर है इतना, नेव बार कैसे बनती है इसमें लगी, जस्ट ये मोबाइल साइज में जाके नीचे तो भी वो आ रही है। हाँ, अभी जब मोबाइल साइज में जाएगी तो ये ऊपर नीचे इस तरह से आ जाएगी, पुरानी भी ऐसी चाहिए लेकिन यहाँ पे एक क्लैप्सेबल कॉलम बनना चाहिए, बटन बनना चाहिए जिसके थ्रू ये बंद या खुल सके। ठीक है, उसके लिए जो है वो हम क्या करेंगे कि क्योंकि देखो ना मोबाइल साइज में अगर हम उस साइड पे शो करवाएंगे ना सेम लाइन के ऊपर, उसमें ये सिनेरियो होगा कि स्क्रॉल हो जाएगा, पेज के ऊपर स्क्रॉल लग जाएगा। ठीक है, स्क्रॉल लगेगा तो पेज रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा, यहाँ पे हमें क्लैप्स लगाना है। उसके लिए नेक्स्ट आगे बताएंगे कि किस तरह से जो है ना वो मेन्यू बार में क्लैप्स लगा सकते हैं। पहले आप ये समझ लो ड्रॉप डाउन किस तरह से ऐड करते हैं, मेरा नहीं ख्याल मुझे जिस तरह ये आपने ड्रॉप डाउन की क्लास पढ़ी थी सेम वही काम है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखो ये एल आई को क्लास दे दी ड्रॉप डाउन की, बाकी सेम वही काम है जो आपने ऊपर ड्रॉप डाउन में पढ़ा, मतलब यहाँ पे एक ए टैग बनाया हुआ है ड्रॉप डाउन टगल, डाटा टगल इक्वल्स टू और HREF इक्वल्स टू हैश, कैरेट का आइकॉन। अभी इसके साथ बिल्कुल उन्होंने एक वो दे दिया है ड्रॉप डाउन मेन्यू, लगी इस चीज की, यस सर। मोबाइल में कुछ इस तरह से हो रहा है और अगर आप यहाँ पे आ जाते हो तो इस तरह से होगा। ठीक है, राइट अलाइंड नेव बार। अब देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं कुछ चीज़ें उस साइड में, इन्होंने बेसिकली किया क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है नेव 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 बार वाली पढ़ी थी भी ऊपर भी क्लास वो डिफाइन की, उसमें पेज वन पेज टू आ गया जो कि आपको शो हो रहा है यहाँ पे होम पेज। इसी क्लासेस को यूज करते हुए गोल्ड यूएल के ऊपर दी नेव नेव बार नेव सेम है, ये एक क्लास का इजाफा किया है नेव बार राइट। अगर वो इसको देते तो इसी ने वहाँ पे चले जाना था राइट साइड, उन्होंने एक और नेव बार बनाई है उसको नेव बार राइट कर दिया, ये वहीं पे खड़ी रहेगी।
इसमें साइन अप और लॉगिन का बटन है ऑटोमेटिक, वो भी मेरी वो इस साइड पे है इसका, वो जो आइकन है वो भी ऑटोमेटिक लग रहे हैं। कौन सा आइकॉन? ऑटोमेटिक बूटस्ट्रैप के अंदर पड़े हैं वो, इन्होंने ये देखो ना ग्लिफ आइकॉन के थ्रू लगाया है ना, ग्लिफ आइकॉन यूजर, ग्लिफ आइकॉन लॉग। अच्छा ये जो ऑनलाइन आगे वो कह रहे हैं बटन किस तरह से बनाना सिंपल, इसके लिए बना तो छोड़ेंगे लेकिन वो नेव बार में एडजस्ट नहीं होगा। एडजस्ट करने के लिए आप नेव बार BTN लिखोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे बजाय BTN वाली क्लासेस। BTN वाली आप दोगे लेकिन ये है कि जो ये वाली क्लास आपने अंदर ऐड कर लेनी है दोस्त, नेव बार बटन BTN थोड़ा सा अलाइनमेंट की डिफरेंस होगा, अदरवाइज और कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है। आप ना भी दो तो मसला नहीं, ये देखो बटन है, बटन से अभी आप देख रहे हो अलाइनमेंट खराब होगी, ऊपर चला गया नीचे लग गया। ये दूंगा अगर क्लास ने एक बार BTN की सेंटर में क्लियर। अच्छा नेवर फॉर्म्स क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि सर्चिंग कैसे काम करती है, ये इसमें नहीं सिखाया गया, जस्ट ये बताया गया। अक्सर आपने देखा होगा सर्च वगैरह लगी होती है ना बार नेवर में, जैसे लाइक ये भी है, ये तो खैर JS के थ्रू किया है कि क्लिक करने पे शो हो रही है, क्लिक करने पे हाइड हो रही है। लेकिन अगर आपने शो करवानी है कैसे करवाओगे? सिंपली उसके लिए आप नेवर फॉर्म की जो है वो क्लास दे दोगे और बाकी जितना भी आप डाटा रखोगे वो किसमें रखोगे? फॉर्म ग्रुप के अंदर। अभी आप फॉर्म पढ़ोगे ना इसके अंदर वो फॉर्म ग्रुप का बताया गया होगा, ये देखना नेवर नेवर इनवर्स कंटेनर फ्लोइड, फिर हेडर आ गया, ब्रांड आ गया, ये नेवर आ गई अगली आगे। अब देखना उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे एक और जो फॉर्म अब क्रिएट किया ना इस UL के बाद, उसका नाम क्या रखा है फॉर्म का, क्लास क्या दी है उसको, ये H1 H होम पेज 1 और पेज 2 UL के अंदर है। आगे एक फॉर्म क्रिएट किया, क्या क्लास दी है नेवर फॉर्म नेवर लेफ्ट। हां नेवर लेफ्ट से क्या हुआ, लेफ्ट पे चला जाएगा। यस अगर मैं इसको ही नेवर राइट कर देता हूं तो ऊपर आ जाएगा पेज 1 पर आ जाएगा, राइट से राइट आ जाएगा, ठीक हो गया। बाकी इसमें जितनी भी इनपुट्स हैं वो आप देखोगे वो एक डिप के अंदर है जिसका नाम क्या है फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप देने का मकसद ये है, जैसे आप देख रहे हो बटन जाना बिल्कुल वो पास पास आ गए हैं, इसमें इतना भी डिफरेंस ऐड नहीं हो रहा, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी नेवर की सर देख सकते हो आप। अच्छा अब इसमें ये क्या बता रहे हैं, ऊपर जरा देखना आप, सबमिट का बटन लग से था, यहाँ पे हमने क्या किया साथ ही ऐड कर दिया। ये वाला काम आपने को आपको याद होगा CSS में भी बताया था आपने, बैकग्राउंड इमेज दे देते थे इसकी, उसको आप पोजीशन इधर कर देते थे, उसकी थोड़ी सी पैडिंग अप्लाई कर देते थे तो वो अंदर आ जाता था उसके इनपुट के। बूटस्ट्रैप में करने के लिए क्या होता है ये आगे आपको फॉर्म्स में भी बताया जाएगा। वैसे तो ये देखो इन्होंने एक फॉर्म क्रिएट किया है, यहाँ पे एक इनपुट ग्रुप बना लिया, क्या बना लिया, इसके अंदर एक टेक्स्ट वाली इनपुट डाल दी है, दूसरे नंबर पे इनपुट ग्रुप BTN डाल दिया, बटन डाला, इसके अंदर वो सर्च वाली आइकॉन लगी हुई है। अब चूंकि ये इनपुट ग्रुप के अंदर है तो ये दोनों चीज़ें आपस में ग्रुप हो गई हैं, कौन कौन सी, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और बटन, दोनों आपस में ग्रुप हो गए हैं, समझ लगी। जिस तरह आपने BTN ग्रुप की क्लासेस पढ़ी ना उसी तरह से भी फॉर्म की क्लास नहीं दी है हमने, यहाँ पे दी है नेव बार फॉर्म, नहीं फॉर्म में जो क्या टैग, हाँ टैग देना लाजमी है, ना भी दोगे वक्त तो करेगा लेकिन स्टिल लाजमी है कुछ चीज़ों की वजह से। कोलैप्सिंग नेव बार ये चीज, ये अब आप कैसे करोगे देख लेते हैं। अभी आप इसको छोड़ दो कोड में क्या लिखा है, जस्ट ये आप ये सोचो कि अगर इसको बनाना है तो आपको क्या करना होगा। पहले तो आपको ये आइकॉन लगानी है, सबसे पहले आइकॉन लगानी है, दूसरा आप लिंक में आइकॉन लगानी है। हाँ एक और चीज, ये इस तरह से तो शो हो रही थी पहले, इसको आपको बाय डिफॉल्ट हाइड करना होगा और आपको ये करना है कि जब इस पर क्लिक हो फिर ये हाइड हो, और अगर हाइड हो रही है तो फिर
खत्म हो जाएगा, ड्रॉप डाउन लगेगा सीधी, मतलब इसमें जावास्क्रिप्ट लगनी है, जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट के लिए आपको पता है डाटा टेबल यूज होता है बूटस्ट्रैप में, जितने भी मामला है डाटा टेबल इक्वल टू ड्रॉप डाउन, डाटा टेबल इक्वल टू कोलैप्स पढ़े हैं ना पीछे, उसी तरह यहाँ पे क्या है डाटा टेबल इक्वल टू कोलैप्स मिनिमाइज, ये आपने पढ़ा पीछे? हां जी पढ़ा पढ़ा। क्या होता था इसमें कोलैप्स में? इसी तरीके से मिनिमाइज होता है, ये देखो ऐसे, और इसमें क्या हो रहा था? मिनिमाइज हो रहा है, वही काम हो रहा है, वही काम हो रहा है, वही काम हमने इधर किया सिंपल। क्या किया है ये देखो, ये जो डिव है ना ये वाली, ये नीचे वाली, इसको उन्होंने दो क्लासेस दी है कोलैप्स और नेबर कोलैप्स। अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ फिर क्या होगा देखते हैं। अब ये रन जब कर रहा हूँ ना तो वो बाय डिफॉल्ट भी शो हो रही है, जबकि इसको शो होना चाहिए था या नहीं? नहीं था, शो नहीं था होना चाहिए, जब इस पर क्लिक करते फिर शो होता है, शो दो। अब मैं अगर इसको यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट शो नहीं हो रही, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो फिर, अब इस पर क्लिक करने पर क्यों शो हो रही है? क्योंकि यहाँ पे डाटा टेबल इक्वल टू कोलैप्स बताया गया और डाटा टारगेट भी बताया गया, और डाटा टारगेट में किसकी आईडी दी गई है? माय नेम बार, और माय नेम बार की आईडी कहाँ पे है? आते पीछे करो ना, है नहीं ये इस डिव के ऊपर दी गई है, ये जो यूएल हमारा क्रिएट हम करते हैं ना, नेबर 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 जो यूएल ये नेबर क्रिएट करते हैं ना, उसको उन्होंने एक डिव के अंदर डाल दिया। एक और चीज़ सुनो, फर्ज करो मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि इस पे कोलैप्स पे क्लिक करने के ऊपर ये चारों चीज़ें तो ऑन या ऑफ हों, साइन अप या लॉगिन ये कहीं पे भी ना जाए, तो मैं सिंपली ये वाला यूएल जो है ये वो वाली डिव से बाहर निकाल दूँगा। बाहर निकाल दिया तो इसके ऊपर क्या होगा? ये देखो ये वैसे ही हो रहे हैं, बाकी दोनों के ऊपर लग गया। अगर इन भी आई डी दे देंगे माय नेम बार वन किन यहाँ पे आ रहा हूँ ना मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, तो ये इस तरह से आ जाएगा, और अगर मोबाइल में जाता हूँ फिर ही कोलैप्स करेगा, और ये खूबसूरती है बूटस्ट्रैप की, मतलब इन्होंने पहले से सारा काम करके रखा हुआ है। लेकिन एक बात पूछूं, इसमें तो उन्होंने कॉल एमडी में काम किया होगा, ठीक है ठीक है, ऐसी बात है तो इसमें कॉल एमडी एमडी में सिर्फ काम होगा, कॉल एमडी कहाँ पे है, कहाँ पे शो हो रहा है? नहीं, कॉल एम डी की क्लासेज हैं बूटस्ट्रैप में, हर काम के लिए क्लासेज हैं, इस काम के लिए कॉल एम डी की क्लासेज नहीं है, कोलैप्स वगैरह की क्लास है, नेबर की क्लास है, इसी के थ्रू विड्थ हाइट वगैरह डिफाइन है। है ये पे एक कंप्लीट ये बात, मैं आपसे पूछूंगा अगर कॉल एम डी में मैं काम कर रहा हूं सर, बीच में मैंने एक नेबर बना दी है, नेबर आप इस तरह से बनाओगे? नेबर मैंने इसी तरह से बनाई है, इसके नीचे ये देखना जरा, एक सेकंड सिर्फ, एक मेन डिब है मेरी जिस पे सारा काम हो रहा है, वो मेन डिब बनी है कॉल एमडी, आप उसके अंदर नहीं रखोगे नेबर, उससे बाहर रखो, पहले नेबर आएगी फिर आपकी वो कॉल एमडी वाली डिब आएगी, ये सिनेरियो। ये देखो ये नेबर यहाँ पे स्टार्ट हो रही है बॉडी के बिल्कुल बाद, खत्म हुई, फिर उन्होंने कंटेनर स्टार्ट किया, और इसके अंदर कंटेनर के अंदर वो यूज करेंगे कॉल एमडी 1 2 जो भी होगा, इसके अंदर नहीं होगा, इसके अंदर विड्थ हाइट वगैरह हर चीज़ वो डिफाइन हो रही है इन क्लासेस के, ठीक हो गया, बना सकते हो आपको RMDs के थ्रू भी नेबर, लेकिन इस तरह की वो नहीं बनेगी रिस्पॉन्सिव। अब ये देखो ना ऑटोमेटिकली उन्होंने फंक्शन ऐड किया हुआ है कि जैसे ही इसमें जाए ऐसे हो जाए, जैसे मोबाइल में जाए क्लास हो जाए, खुद करना पड़ेगा तो बहुत लंबा छोड़ा काम, खुद आपको सारा कोड JS का खुद ऐड करना पड़ेगा ना, CSS का भी खुद ही ऐड करना पड़ेगा कि भाई इस तरह करो, इसको हाइड कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बहरहाल क्लियर है नेबर का काम। अब एक और चीज़ जो मैं भी आपको बताना चाहूँगा वो ये कि बूटस्ट्रैप वालों की जो ऑफिशियल वेबसाइट है गेट बूटस्ट्रैप के नाम से, इस नाम से गेट बूटस्ट्रैप, अब यहाँ पे लिखोगे ना बूटस्ट्रैप नेबर्स तो वो गेट बूटस्ट्रैप का लिंक मेरे ख्याल से आएगी, हाँ ये है आगे, यहाँ से आपको डिफरेंट डिज़ाइन बने हुए मिल जाएंगे, आप इनका भी यूज़ कर सकते हो, ये आप ऊपर देख रहे हो वर्जन कौन सा सिलेक्टेड है, 4.0 ये 4.0 है, 3.0 कर देता हूँ, चलो गेटिंग स्टार्टेड में जाएंगे या कहाँ पर जाएंगे, मुझे इसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी है, ये क्या चीज है, यहाँ से बनी नहीं है बूटस्ट्रैप की, ये वेबसाइट है ना, ये बूटस्ट्रैप वालों की वेबसाइट है, इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की होती है,
ठीक है, वहाँ से जाके हम वो सारा कुछ देख सकते हैं। एग्जाम्पल भी दी हुई है, देखो बूटस्ट्रैप वालों ने ना एग्जाम्पल पेजेस दिए हैं बने बनाए, ठीक है, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा, इनकी कोडिंग देख सकते हैं सारी, इसमें ना डिफरेंट चीज़ें ये देखो लगा के रखी हुई हैं, ये एक पेज है, बटन भी लगा के रखे हैं, टेबल भी डिफरेंट तरह के, हर चीज़ जो जो वो प्रोवाइड करते हैं ना बूटस्ट्रैप वाले, इन्होंने बना के रखे हैं सारी कोडिंग। हाँ, एनिमेशन भी है, थीम भी है, ये स्लाइडर कंट्रोल यू करता हूँ, यहाँ से सब कुछ क्या हुआ पूरा सलवार। अच्छा, ये इन्होंने कॉलम भी इसका सारा बताया किस तरह से यूज होंगे, ठीक है, सारी एग्जांपल हर चीज की एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, जंबोट्रॉन हेड है, ये देखो ये डिफरेंट वेजेस, ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि बूटस्ट्रैप की आपको किसी हद तक कुछ समझ तो लगी गई हुई है। हाँ, तो अगर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ तो आप उसको प्रस्यू करोगे कि नहीं, अभी पता लग गया था। एक सॉफ्टवेयर है बूटस्ट्रैप, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा यूज़ करने के लिए, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। सॉफ्टवेयर का नाम है, रिकमेंड नहीं करेंगे तो की मतलब, रिकमेंड नहीं करता मतलब कि ये इतना एफिशिएंट वे नहीं है काम करने का, स्पीड में वहाँ से काम नहीं हो सकता, लेकिन स्टिल इससे खुद कोड करने से ज़्यादा जल्दी हो सकता है। देखो बूटस्ट्रैप स्टूडियो के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, और एक है पिनगैंडो के नाम से, पिनगैंडो और बूटस्ट्रैप स्टूडियो, ये दोनों सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू बूटस्ट्रैप के वेबसाइट्स बना सकते हो, ठीक है। शायद हो सकता है मेरे पास पिनगैंडो हो, नहीं है सो लेट्स डाउनलोड, सेटअप पड़ा होगा सो मैं इसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ पिनगैंडो को भी और बूटस्ट्रैप स्टूडियो को भी, और आपको दिखा देता हूँ कि कैसे काम करेगा। वीडियो पॉज कर रहा हूँ, वीडियो पॉज कर रहा हूँ, ये है बूटस्ट्रैप स्टूडियो, इसको ओपन करता हूँ, पिनगैंडो भी मेरे ख्याल से हो गया डाउनलोड, ठीक है, ये है, वाओ पिनगैंडो में तो भी एरर आ रहा है, बूटस्ट्रैप स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, क्रिएट न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करूँगा, ये हमसे पूछेगा कौन सा टेम्पलेट आपने सेलेक्ट करना है, ब्लैंक टेम्पलेट भी चूज कर सकते हो, ठीक है, तीन चार टेम्पलेट हैं लेकिन फ्री हैं इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लैंडिंग पेज ये वाला कर लेता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, ये आप देखोगे ये सारा ना इस हाथ में पेज बन के आ गया, ठीक है। इस पेज को मैं डिफरेंट डिवाइसेस पे चेक कर सकता हूँ चला के किस तरह का, जैसे मोबाइल में जाता हूँ, यहाँ पे फ्लेक्सिबल मेन्यू भी लग चुकी है, ठीक है। अब इसके अंदर जितनी भी आपने चीज़ें ऐड करनी है ना, ये सारी कॉलम डीज के अंदर ही है, ये देखो ये यहाँ पे ना पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर आ रहा है, ये देखो पहले तो HTML है, HTML के अंदर बॉडी है, बॉडी के अंदर नेवबार है, नेवबार को अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये चीज़ सिलेक्ट हो रही है, देख रहे हो नेवबार ब्रांड, ये चीज़ सिलेक्ट होगी, नेवबार नेवबार ब्रांड पर क्लिक कर दिया। अब राइट साइड पर अगर आप देखोगे इधर इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। अच्छा, मजे की बात इसमें आप कोड के थ्रू भी कर सकते हो, नीचे सारा कोड भी आ रहा है, यहाँ से आप कोडिंग के थ्रू भी एडिट कर पाओगे जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं, ये HTML पे क्लिक करके। अरे नीचे कैसे जाएगा, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं उनको आप राइट साइड से भी यहाँ से भी एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नहीं इधर लिखना है, दादा सिंपली इस पर क्लिक करो, मोहसिन रजा, बस ये देखो ना, फर्ज़ मैंने इस लिंक के ऊपर क्लिक किया, ये एक बटन है ना लिंक लगा हुआ है, इसका मैंने लिंक चेंज करना है, लिंक की URL मैं यहाँ से चेंज करूँ https/, जैसे मैंने यहाँ से ऐड किया /dan27, मैंने अपना ये फेसबुक का लिंक ऐड कर दिया, ठीक है। HTML में आऊँगा, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो उस पर यहाँ पे वही वाला लिंक लग चुका है, ठीक है। तो ये वाला काम आप इसके थ्रू कर सकते हो, फिलहाल मुझे ये वाला सॉफ्टवेयर फजूल लगता है, सो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें कर सकते हो, मेहनत बड़ी है इसमें इसमें। हाँ, मगर यही है कि अच्छा दूसरा ये, अब देखो यहाँ पर मैंने एक हेडिंग ऐड करनी है, कोई अलर्ट ऐड करनी है, यहाँ से मैं अलर्ट उठाऊंगा इधर डाल दूंगा, इस अलर्ट के अंदर अब जो टेक्स्ट आना है वो आपको पता है कैसे एडिट होना है, ये तो सक्सेस वगैरह आ गया, एडिट कहाँ से पैडिंग की ऑप्शन ले लो, हैं मार्जिन पैडिंग ऑटोमेटिक कर चुकी है, मार्जिन पैडिंग होती है
ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖ ਮਾਰਜਨ ਪੈਡਿੰਗ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰਜਨ ਪੈਡਿੰਗ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਯਹਾਂ ਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਲਰਟ ਮੇ ਜਾਤੇ ਹੋ ਮਾਰਜਨ ਪੈਡਿੰਗ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਦੇ ਵੇਖ ਜੈਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਡ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੌਣ ਸਾ ਮੌਸਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ इसके अंदर पैडिंग शेडिंग की ऑप्शन है होती सही है पर देखना ही पड़ेगा यार जब याद नहीं है इसमें क्या सुना दी अलाइनमेंट में आ जाता हूँ किधर हुई है राइट में अच्छा लेफ्ट में ना छे थे बुरी हो गई से सेंटर में जस्टिफाई इसमें लगी है ना अब वो कहाँ पे है मार्जिन बैटिंग फिर जो इस बटन को मुझे मार्जिन देना है मैं कैसे या गूगल पे जाके सर्च करोगे ना वो भी कहना मार्जिन बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप स्टूडियो वहां पे आ जाएगा ऑप्शन होती है इसको बटन खोलो हां बटन खोला हुआ बटन पे क्लिक करो नहीं टारगेट इज ब्लैंक वो है ना टारगेट इक्वल ब्लैंक है यार वो साइज साइज इज लिखे थे बटन दे ये मार्जिन की बात कर रहा है यार ये कैसे एडिट हो सकते हैं ये लगा चलो इसका आप सर्च करोगे मिल जाएगा बट ये है कि यहाँ से आपको देखना पड़ेगा किधर से आना है ठीक है दूसरा ये मैंने आपको बताया कि यहाँ से उठा के जो भी चीज़ डालोगे ना ऐड हो सकती है दूसरा ये यहाँ पे जो आप कॉल रोज वगैरह नहीं बनाते कॉल एम डी वगैरह यहाँ वो भी यहाँ पे बन जाती है देखो रो रो बनाई ये उठा के मैंने फर्ज करो यहाँ पे डाल दूँ एम्प्टी रो है इसके अंदर मैंने कॉलम डालने मैं चाहता हूँ एक डाटा यहाँ पे आए इधर कोई तस्वीर आ जाए इधर कोई टेक्स्ट आ जाए तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कॉलम पकड़ूंगा कॉलम को इधर इंसर्ट कर दूँगा एम्प्टी कॉलम है इस कॉलम को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से फर्स्ट मैं कर देता हूँ कॉल एम डी सिक्स सिक्स करूँगा तो ये हाफ पे आ गया मैं इसको देता हूँ फोर पे कर दूँ ठीक है अब एक और कॉलम उठाता हूँ इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया वो नीचे आ गया इस रो के अंदर करना है वो नहीं रो सिलेक्टेड है क्या सुना रही है हाँ क्योंकि कॉलम की ट्वेल्व है मैं एड करूँगा तो वो एक लाइन में आ ठीक है अब इसके अंदर फर्स्ट करो मैंने तस्वीर डालनी है ना भाई इमेज उठाता हूँ इसमें इंसर्ट कर देता हूँ इमेज फर्स्ट करो मैं यही लगा देता हूँ अगर अपलोड करनी हो अपलोड भी कर सकते हो इसकी हाइट कहाँ से आएगी अच्छा यार ये देखो इसे देखो पहले अरे वो भी थोड़ी है हाइट ये आ रहा है विड्थ इसकी मैं कर देता हूँ 100% हाँ देखा हो गया ना अच्छा अब इधर मैंने डालना है टेक्स्ट यहाँ से मैं हेडिंग उठा लेता हूँ एक मैंने पैरा डालना है मैं यहाँ पर लिख दूंगा पैराग्राफ जो पी का टैग होता है पैराग्राफ से बनता था अच्छा एल जी की वेबसाइट एच टी एम एल सी एस एस भी आ रहा किस तरह की एल जी मतलब मैं समझा नहीं इस तरह बनाई थी ये वर्ल्ड प्रेस हो रही है पीछे सारी वर्ल्ड प्रेस तो कोई भी जो मर्जी से अच्छा एसटी ना सीएसएस की बोल रहे हो नहीं है इस तरह की कोई नहीं है साथ ही वर्ल्ड प्रेस नहीं बना रहे हैं हर शहर में एचटीएमएल सीएसएस तो बड़ी बेसिक सी चीज है वो तो खुद बना लेते हैं साथ ही वर्ल्ड प्रेस भी तो करते हैं लेकिन स्टिल ये देखो ये भी हमने बनाया नहीं तो वर्ल्ड प्रेस नहीं करता वर्ल्ड प्रेस वो पूरी वेबसाइट ही बनाते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप से बनाते हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा इस तरह नहीं होता डब्बे के बाहर क्यों हो गया क्या लाइनर डब्बे के बाहर आ पैडिंग शेडिंग भी होगी प्लाई जैसे भी रिमूव करनी है बहर इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो उसमें लगी क्लियर अब लास्ट पे आपने कर लिया सब कुछ कर लिया इस पर एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है एंड देन आपको पता है डेस्कटॉप पे फिर करवाता हूँ
जिप फाइल माय वेबसाइट कर देता हूं माय वेबसाइट फोल्डर ना हां एचटीएमएल वगैरह को सेलेक्ट फोल्डर कर दिया बूटस्ट्रैप का क्या टैग होता है बूटस्ट्रैप अच्छा देखो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया ना इधर आता हूं ये एक पेज बन गया index.html assets का भी फोल्डर आ गया ये उसकी पूरी वेबसाइट बन गई जो भी बनाई है असल बात अच्छा दूसरा ये है कि अब इसमें पेजेस ऐड करने हैं वो भी होगी यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन जारी सी बात है बट मुझे उसका भी स्टिल कोई आईडिया हाँ ये है ये है न्यू पेज ब्लॉक यस न्यू पेज क्रिएट करना है यहाँ से कर दो कैंसिल करो मरल अच्छा एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे देखना चाह रहा था कि यहाँ पे ना हाँ ये देखो यहाँ पे ना अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट हो तो बहुत सारे यूज़र्स हैं जिन्होंने इंटरनेट पे ना पहले से कुछ चीज़ें बना के रखी होती हैं मतलब आपने कोई चीज़ बनाई है मैंने बनाई है मैं इधर अपलोड कर देता हूँ तो वो काफ़ी सारे यूज़र्स ने की हैं वो आप बनी बनाई चीज़ें भी यहाँ से उठा सकते हो इस तरह देखो बूटस्ट्रैप का एक फॉर्म उठा के यहाँ पे डाल दिया ये वैलिडेशन वगैरह लगी नहीं है सारी लॉगिन भी है गूगल स्टाइल और भी बड़े हैं इधर ये सर्च करोगे ना तो काफ़ी मिल जाएंगे मुझे आइडिया नहीं है क्या क्या चीज़ें फूटर प्रीटी फूटर मॉकअप आईफोन और भाई ये आप ही पीछे कोडिंग बैक एंड आप ही बंद आ जाता ना बैक एंड नहीं बंद रहा यार आप ही बंद आ जाता है बहरहाल समझ तो लगी इसकी जो चीज़ उठा के डाल रहे हो वो यहाँ पे बनती जा रही है फर्ज करो मैं यहाँ पे स्लाइडर लिखता हूँ स्लाइडर के लिए इसके लिए कोई कंपोनेंट नहीं है साजी ने एक बार नहीं बनी दिए थे कहाँ पे ये कमी हो गई यार ये ऊपर जा ये ये कहते हैं ने एक बार आ बनी दी है ये बन गया हाँ ये ने एक बार ठीक है बहरहाल अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ इसी तरह से कुछ था वो भी पिंग एंडो उसमें ये है कि बाय डिफॉल्ट ना कुछ बने बनाए टेम्पलेट ज़्यादा होते हैं ठीक है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं मतलब मुश्किल क्या है अच्छी चीज़ है अच्छा क्लियर हो गया इतना काम दूसरा ये कि जो बूटस्ट्रैप स्टूडियो है ना जब आप उसका यूज़ करते हो जो वेबसाइट इससे बनती है ना वो प्योर बूटस्ट्रैप के अंदर बनती है वो ऐसा नहीं है कि कोई और लाइब्रेरी साथ लिंक करे लेकिन जब आप मोबिराइज का यूज़ करते हो मोबिराइज अपनी भी लाइब्रेरीज यूज़ करता है मोबिराइज अपनी लाइब्रेरीज भी यूज़ करता है स्टिल मैंने आपको इसका भी बताया था कि आप इसके थ्रू भी जो है वो लेकिन वो बड़ा इस वाली जो वेबसाइट है इसको अगर आप ऑनलाइन करते हैं यानी हाँ, पब्लिश करते हैं कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं कोई इशू क्योंकि इसकी ऑनलाइन ही पढ़ा हुआ है हाँ लेकिन ये है कि इन्होंने ना इधर क्या किया होता है ये जो मोबिराइज वाले हैं ना इन्होंने आप इसका कोड एक्सपोर्ट करोगे हर जगह पे कमेंट के अंदर लिंक्स के अंदर हर जगह पे ना अपना नाम दिया हुआ है वो अगर आप अपना नाम कोडिंग आपको आती है ना तो आप उसके थ्रू खत्म कर लो जाके वहाँ से नाम तो कोई मसला नहीं हाँ हर जगह इन्होंने दिया हुआ था इसकी निस्बत मुझे वर्जन 4 वाली जो ऑप्शन है वो अच्छी लगती है पिछला जो वर्जन था ना इनका ये देखो इसमें मतलब अच्छे टेम्पलेट्स बने हुए हैं हर तरह की चीज़ आप यहाँ से बना सकते हो इसको भी आप उसी तरीके से यूज कर सकते हो जिस तरह से आप उसको टेम्पलेट नहीं है डिफरेंट पार्ट्स हैं इनको चेंज कर सकते हो मतलब ये देखो थोड़ा इसका ओवरव्यू दे दूं मोबिराइज का मतलब आज हमने बूटस्ट्रैप में तो सिर्फ यही पढ़ा नेवर्स का अभी तक नेक्स्ट हमने बूटस्ट्रैप स्टूडियो का पढ़ा और अब हम ये देख लेते हैं ठीक है सो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे एक ना मोबिराइज जब ओपन होगा ना आपके पास बिल्कुल ब्लैंक होगा आपने साइट्स में जाना है एक न्यू साइट ओपन कर लेनी है जैसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ बूटस्ट्रैप स्टूडियो मैंने बताया सिर्फ बूटस्ट्रैप को यूज़ करता है इनकी अपनी भी लाइब्रेरीज हैं और बूटस्ट्रैप भी दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं बेहतर बेहतर मोबिलाइज़र है हाँ बूटस्ट्रैप स्टूडियो लेकिन बूटस्ट्रैप स्टूडियो तब आप यूज़ करो तब आपको सिर्फ बूटस्ट्रैप का ही करना हो ठीक है अच्छा अभी के लिए ना ये बहुत सारे थीम आ रहे हैं लेकिन ये ऑप्शन जो है ना ये सारी की सारी पेड है हाँ जो फ्री वाली है वो ये है सिर्फ मोबिराइज 5 वाला थीम ठीक है बाकी सारी भी है सब कुछ पेड है बाकी मोबिराइज 5 में आ जाऊंगा आप अगर इसका 4 वाला वर्जन डाउनलोड करोगे ना वो ज्यादा प्यारा मोबिराइज का उसमें ज्यादा ऑप्शंस अच्छी मिलती है ज्यादा चीजें डाल दो दस ना गया जरूरी सुबह नो नाम करना पहले कस्टमर के फॉर्म का थीम वगैरह डाउनलोड करना वो जो तक थीम मतलब डाउनलोड कर लिया
अंदर बन गई। अब मैं यहाँ पे ना एक नेव बार लगाना चाहता हूँ सबसे पहले, तो मैं यहाँ से देखूंगा कौन सा स्टाइल है, तीन चार स्टाइल है, मैं एक ये वाली नेव बार लगा दूँ, बाकी की देख लो डिसेबल हो गई है जैसे मैंने ये लगा। दूसरा ये है कि अब इसके अंदर मैंने ना ये ब्रांड का नाम चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल मोशन वेबसाइट, जो भी है इसका नाम ही एक रखना है ना। ये लोगो मैंने चेंज करना है अपनी वेबसाइट का, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी भी ऑनलाइन इनकी लाइब्रेरी से भी तस्वीर उठानी है या खुद अपलोड करनी है, तो मैं खुद अपलोड करना चाहता हूँ। यहाँ पर आऊँगा, दिस पीसी में जा रहा हूँ, एंड मैं यहाँ से नफरत करो ये वाला आइकॉन अपलोड कर देता हूँ। आइकॉन अपलोड हो गया, अब ये लिखा आ रहा है इस इमेज के ऊपर जब क्लिक होगा तो कौन सा क्या चीज़ ओपन होगी, क्या ओपन होगी, इनकी वेबसाइट का अपना कोई लिंक है, तो मैं इसको एडिट लिंक करूँगा। वेबसाइट का एड्रेस देना है, पेज देना है, ईमेल देना है, फ़ोन नंबर देना है या फाइल देनी है, तो मैं पेज दूँगा, पेज में जाके होम पेज लगा देता हूँ, इस पर क्लिक करने पर होम पेज ओपन हो जाए। उसने कौन सा लिंक लगा दिया, इस इमेज का ALT टैग, अल्टरनेटिव टैग, जब इमेज शो नहीं होती ALT टैग होता है ना वहाँ, वो क्या लिखा है यहाँ पे, कह देता हूँ लोगो, मोशन ब्रांड लोगो, ठीक है, ओके पे क्लिक करता हूँ। ये अब एक सेक्शन हमने अपलोड किया ना मेन्यू वाला, इस पे जाता हूँ, हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि हमने ब्रांड नेम शो करना है या नहीं करना, मेन्यू आइटम शो करनी है या नहीं करना, हमने बटन जो है वो शो करना है या नहीं करना, हमने स्टिकी इसको करना है या नहीं करना, स्टिकी से क्या मुराद है बताता हूँ, लोगो शो करना है या नहीं करना, फिर इसके बाद लोगो का अगर शो करना है तो साइज़ कितना करना है, बड़ा तो नहीं करना, ठीक है, इसको बड़ा मैं भी थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, इतना फुल विड्थ करना है या नहीं करना, फुल विड्थ करोगे तो इस पर कंटेनर फ्लोइड की क्लास ऐड हो रही है पीछे, ख़त्म कर रहे हो तो कंटेनर की क्लास ऐड हो रही है, क्लियर है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या ऑप्शन है देख लेते हैं, आगे ऑप्शन ये है जनाब, इसके अंदर ही ये तो मैंने आपको बताया इस तरह से हो जाएगा, इस पर भी मैं लिंक लगाना चाहता हूँ, मैंने क्लिक किया लिंक पे गए, पेज का लिंक लगाना चाहता हूँ होम पेज में, ऑटोमेटिक इसमें इंडेक्स और एचटीएमएल का लिंक लगा, हाँ अबाउट अस लिखा हुआ है, इसकी जगह पे मैं होम लिखना चाहता हूँ, मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा होम एंड होम होम लिंक, इस पर अब लिंक लगाना था, ये लिंक की ऑप्शन आ रही है, क्लिक करूँगा पेज पर जाऊँगा और यहाँ से जाकर होम पेज का लिंक लगा, क्लियर हो गया। आइकॉन इसके साथ ऐड करनी है, ये इंसर्ट आइकॉन की ऑप्शन आ रही है, इस पर जाऊँगा यहाँ पर जाके होम लिखूँगा, होम की आइकॉन आ गई, इंसर्ट कर दिया आइकॉन, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे सर्विसेज का कोई आइकॉन लगाना है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट करो गियर ब्रीफ केस लगा लेते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट है ना, कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है तो मैं इसको कह देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, लिंक अभी फ़िलहाल कोई नहीं इस पर लगा रहा, और इसके साथ मैं आइकॉन इंसर्ट कर दूँगा, फ़ोन की भी कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड नाउ लिखा है, इसकी भी जाए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन, ठीक है। ये बटन का अब जो लिंक है, पहली तो बात है इसमें मैं इंसर्ट आइकॉन करना चाह रहा हूँ, इंसर्ट आइकॉन करूँगा यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा, फर्ज करो ये लगा देता हूँ, ये अक्सर का लॉगिन की आइकॉन लगी होती है। अच्छा उसके बाद मैं ये चाहता हूँ मूव लेफ्ट, ये कैसे होगा क्या सिनेरियो, बहरहाल होना तो चाहिए था। अच्छा अभी इस पे लिंक पे क्लिक करता हूँ और लिंक के ऊपर मैं कोई लिंक लगाना चाह रहा हूँ तो उसका भी लगा, क्यों नहीं है यार, हो सकता है थीम के मुताबिक हो, जो भी आते हैं कोडिंग, कौन सी कोडिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक हो रही है, वो नहीं देख सकते नहीं यहाँ पर नहीं वो देख सकते, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप इसी में आओगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है, फुल विड्थ की देख ली, लोगों की ऑप्शन भी देख ली, ब्रांड नेम शो करना है नहीं करना, मेन्यू आइटम शो करने नहीं करने, आइकॉन शो करने हैं या नहीं करने, ये भी ऑप्शन है, बाकी स्टाइल वगैरह के जरूर कर दिया। देखो फर्ज करो मैं इंस्टाग्राम को जाता हूँ, रेड कलर का कर दूँ, यहाँ पे कलर नहीं आ रहा, मैं इस पर क्रॉस के बटन पे क्लिक करूँगा ना, मोर के बटन पे ये ऑप्शन आ जाएगी, मैं यहाँ से फर्ज करो ये कलर इस पर कर दूँ, इंसर्ट कर दूँ। ट्विटर का कलर चेंज करना है, क्रॉस पे क्लिक कर रहा हूँ, नीला नीला कर लिया। फेसबुक का कलर चेंज करना है, ये कर देता हूँ इंसर्ट आई, ठीक है। इस बटन का कलर चेंज करना है, क्लिक किया कलर चेंज किया, कोई और यहाँ से कर लेते हैं, फर्ज करो ये
ठीक हो गया। उसके बाद आगे आ जाओ, अमाउंट कितनी करनी है, ये वाले आईकॉन्स की जो शो हो रही है चार मैक्सिमम है। इसी तरह से आईकॉन्स का कदर क्या होगा, मैं फर्ज करो कहता हूँ ब्लू होगा तो फिर क्या होगा, सब पे ब्लू होगा, इन सब पे ब्लू हो जाना था, बट अब चूंकि मैं उनको अलग अलग कलर दे चुका हूँ। स्टिकी करना या नहीं करना, स्टिकी से मुराद ये है कि वो ऊपर रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब फर्ज करो इधर ना इसी पेज के अंदर दो तीन सेक्शन और ऐड हो जाते हैं, जैसे कि ये सेक्शन ऐड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब ये देखो ऊपर ही रह गया, ऊपर ही खड़ा है ना ये वो मेन्यू में। अगर हम इसको स्टिकी को हाँ इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, पोजिशन फिक्स्ड, ये देखो अब ऊपर ही रह गया, ये काम आ गया स्टिकी में। कोलैप्स्ड करना या नहीं करना, मिनिमाइज हो गया, कोलैप्स्ड का मतलब ये है कि इस तरह से आ जाएगा। अब आप देख रहे हो बड़ी स्क्रीन में भी इस तरह से आ गया, उसकी भी मेरे ख्याल से इधर ऑप्शन होएगी शायद, नहीं है उसकी ऑप्शन जो शो नहीं हो रही। बहर कोलैप्स को ख़त्म कर देता हूँ, उसमें ज़्यादा ऑप्शन थी मैं बता रहा हूँ, जो पुराना वर्जन था उसका। कोलैप्स को ख़त्म कर दिया, मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर दिया, अभी ये ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। बुक्सैप वो मोबेरस फोर करोगे ना उसके अंदर ये बड़ा प्यारा ट्रांसपेरेंट होगा। अभी अगर मैं ड्रॉप नीचे लेके आता हूँ तो आप देख रहे हो अभी काम ख़राब ही कर रहा है। ट्रांसपेरेंट में होता है कि नीचे वाली चीज़ें भी नज़र आने लग पड़ती हैं, अभी ऐसे इतना से ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा। आई थिंक ओपेसिटी का भी आ रहा है, नहीं काम कर रही है। यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, किस कलर का मेन्यू बार करना है, मतलब ट्रांसपेरेंट की ओपेसिटी है, बट ट्रांसपेरेंट वाला मैं बता रहा हूँ काम नहीं कर रहा है यहाँ। वाइट की मैं कह ट्रांसपेरेंट क्या होगा, वाइट अगर ट्रांसपेरेंट ये हल्का हो जाएगा ना, नीचे वाली चीज नजर आने लग पड़ेगी। अच्छा अच्छा, पर वो है इससे नीचे है, नेम बार से नीचे है। हाँ जी, हैमबर्गर जो है ना, हैमबर्गर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हैमबर्गर। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ इससे क्या होने वाला है ये देखो, इस तरह से बताऊँ इसको मैं आपको बताता हूँ मोबाइल पे जाकर। ये वाला जो आइकॉन है ना इसका कलर क्या हो गया, पिंक, इसका कलर पिंक हो गया, ये हैमबर्गर, इसको हैमबर्गर बोलते हैं, ठीक है, हैमर, क्लियर है। अच्छा इसी तरह आप जो जो सेक्शन यहाँ से उठा के डालोगे ना उस हर सेक्शन की यहाँ पे सेटिंग्स आ जाएंगी, फुल स्क्रीन करना नहीं करना, फुल विड्थ करना है या नहीं करना, विड्थ इधर से कितनी देनी है, ठीक है। जब इसकी कोडिंग नहीं है तो सब हमारा कस्टमर कोडिंग बता तो रहा हूँ कि पब्लिश करोगे तो फिर कोडिंग आएगी, उसने करके भी तो दिखाया था, हाँ ऑटोमेटिक पीछे हो रही है, कोडिंग बता दो। अच्छा भैया देखो, मेरी कोडिंग मिल गई थी ना, अब ये देखो लेफ्ट पे करना है, सेंटर में करना है या इसको राइट में करना है, किधर करना है, लेफ्ट पे कर दो। इसके बाद टाइटल देना है नहीं देना, सब टाइटल ऐड करना है या नहीं करना, क्या करना है, बता देता हूँ सफर कर लो। यहाँ मैं लिख देता हूँ मोहसिन ब्रांड, ठीक है, बस दिल नहीं करता मेरा ऊपर, मैं इसलिए नहीं मिटाता क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको भी मिटा देता हूँ ना वो पीछे चला है, देखिए आ गया, इसीलिए नहीं मिटाता। नीचे वैसे मैं जब वो ऊपर से आदत पड़ गई थी तो मैंने इसलिए नीचे का कोई मसला नहीं, यहाँ पे आप कर लो कोई इशू नहीं होगा, ऊपर मैं रहने देता हूँ ताकि स्टाइलिंग बाकी रहे, दोबारा से मैं कर दूँगा। मोहसिन ब्रांड यहाँ पर लिख देता हूँ, सीधा लिखा है मतलब ते बिल्ड साथ में इंक्रीज कर लेना। अच्छा अच्छा अरे यार, अच्छा फोटो लाओ आगे देखो, बटन शो करवाना है या नहीं करवाना, अच्छा मतलब मुझे स्टाइल इनो देना है, चुप हो गए क्या क्या स्टाइल देना, मैं वो कोई स्टाइल देना, ये देखो यहां से टाइटल बंद करना है, टू करना, थ्री करना, टेक्स्ट करना, मेन्यू करना, किस में करना है, लाइन कहां पे करना है, ठीक है, कलर को क्या करना है, मतलब फॉन्ट की गल कर रहे हैं, फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल की, फॉन्ट स्टाइल आप पूरी वेबसाइट के अंदर एक ही फिक्स करते हो, वो आपको इधर जाना होता है साइट्स में जाना होता है, यहाँ पे आके आप इस ये वाली साइट है कौन सी है, यही मेरे ख्याल में ये एडिट स्टाइल है, इस पर जाओगे इसमें आप पूरी वेबसाइट का डिसाइड कर देते हो कि भाई मेरी वेबसाइट में प्राइमरी का कलर क्या होगा, बीच डेंजर का कलर क्या होगा, वार्निंग का क्या होगा, सक्सेस का क्या होगा, और जो भी है इन्फो वगैरह, ये पढ़ी ना क्लासेस कॉन्टेक्चुअल कलर्स क्या होंगे, ये देखो इनका फाउंड क्या होगा, टाइटल वन का फाउंड क्या होगा, लॉस्ट, लॉस्ट है इसका, पता नहीं कौन सा लॉस्ट के जोस्ट,
जो भी है यहाँ से मोर फॉन्ट्स में जाके और फॉन्ट्स भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद साइज कितना होगा मेरे पूरी वेबसाइट के अंदर, टाइटल वन का मतलब एच वन का साइज क्या होगा, एच टू का साइज क्या होगा, सारा यहाँ से डिफाइन हो रहा है। बटन राउंडेड होंगे या नहीं होंगे, जितने बटन होंगे राउंड हो जाएंगे, ठीक है। गोस्ट बटन करने हैं या नहीं करने, देख रहे हो थोड़ा सा इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, छोटा हो रहा है। अंडरलाइन लिंक, लिंक सब यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लिंक्स अंडरलाइन करने या नहीं करने। एनिमेशन ऑन स्क्रॉल, अभी मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ ब्राउजर में, तो आप देखोगे कि ये देखो जब मैं नीचे कर रहा हूँ, देखा टेक्स्ट इस तरह से ऊपर ये एनिमेशन आ रही है, एनिमेशन। अच्छा एक और चीज़, अभी मैंने ट्रांसपेरेंट की थी ना उसकी बैकग्राउंड, तो वो देखो वर्क कर रही है, देख रहे हो। ये वाली एनिमेशन तो जावास्क्रिप्ट से लगती है, कौन सी एनिमेशन? हाँ तो वो लगा रहे हैं ना बस। दूसरा ये कि ये ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो आप देख रहे हो रही है, वहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी बट यहाँ पर इफेक्ट हो रही है। अच्छा दूसरा ये कि इसमें अगर आप नीचे आते हो तो वो बंद करवा दिया, फोटो चेंज करनी है, कर लेते हैं यार सब कर। स्क्रॉल टू टॉप बटन, इसको अगर आप ऑन करते हो तो ये बटन ऐड हो जाएगा स्क्रॉल टू टॉप वाला, इससे क्या होगा सीधा ही ऊपर, सीधा ही ऊपर। ये देखो अभी नीचे हो रहा, थोड़ा सा नीचे करूँगा ना, क्लियर हो गया। अगर ये बटन की जगह हमने कोई और लगाना है बटन, वो आपको कोडिंग से ही करना पड़ेगा एक्सपोर्ट करने के बाद, जब इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे बाद में ये मतलब से कोडिंग जिस तरह फाइल्स आ जाएंगी ना, चेंज करना है वैसे चेंज कर सकते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा आगे सुनो, बहुत इजी कर दिया। हाँ इसमें देखो आगे क्या है, इसमें ना वर्डप्रेस कहते हैं, नहीं यार मोबिराइज बोलते हैं, घंटे से बता रहा हूं वर्डप्रेस और चीज है, वर्डप्रेस और चीज है। इसमें सिर्फ आप फ्रंट एंड बना सकते हो, वर्डप्रेस में प्लगइन्स होते हैं, थीम होते हैं, उसमें बैक एंड फ्रंट एंड सारा कुछ हो जाता है। ये देख रहे हो आप ये वाला, इसमें अब क्या है कि इमेज चेंज करनी है तो ये यहाँ पे इमेज पे क्लिक करोगे, ब्राउज कर लोगे। अब मैं करने नहीं वाला, करो तस्वीर, ये करनी है करो मोशन तस्वीर ना, उन्होंने अच्छा है वाले फिल्टर से कोई नहीं गया है देते कोई मोशन नहीं वाला, ठीक है। इन छोटा बड़ा जो है छोटा बड़ा बैकग्राउंड में नहीं होता, बैकग्राउंड के अंदर आपकी या तो फिर ओवरले आ जाती है या ऐड करनी है नहीं करनी। ओवरले का पता, ओवरले मतलब मैं अगर यहाँ से ऐड कर देता हूँ, देखो ओवरले ऐड कर दी ऊपर नीचे ओपेसिटी आ रही है। कलर क्या करना है, मैं कहता हूँ ब्लू कलर हो जाए, ओपेसिटी कितनी होगी। अच्छा वो हमने जो तस्वीर जिस तरह की बनानी है, अगर हम चाहते हैं कि एक साइड भी है उसको उस तरह से बनाना पड़ेगा, उस तरह से बनाना कितना मतलब इसका साइज देख के। मैं इनकी लाइब्रेरी से कोई फोटो लगाता हूँ जो अच्छी हो। ये फोटो पर लगा दिया, मैंने फर्स्ट वाली लगाई है। ओके अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से कर देता हूँ ग्रीन और ओपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ। अब ओके क्लियर है। अच्छा एक और चीज़ जो भी आपने यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताई वो है पैरालक्स। पैरालक्स यहाँ पे पड़ा, ये वाला इफेक्ट आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट करते हो जबकि मोबिराइज आपको इसकी भी ऑप्शन देता है विदाउट कोडिंग ऐड करने की। अगर इसको ऑन कर देता हूँ तो आप फर्क देखना क्या होता है, क्या हो रहा है बोला फोटो के अंदर मूव हो रही है। हाँ जी पहले क्या था, अगर पैरालक्स को खत्म कर देता हूँ फोटो एक जगह पे फिक्स्ड है, सिर्फ पूरा पेज मूव हो रहा है, जबकि अगर मैं यहाँ पे आके पैरालक्स को ऑन कर देता हूँ तो फिर पेज तो मूव हो ही रहा है लेकिन फोटो भी अंदर मूव हो रही है। क्लियर हो गया ना? अच्छा आगे चलो, कोई और यहाँ पे ना मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, समय लगी ना हर सेक्शन की अलग से वो आ रही है सेटिंग आ रही है। इसीलिए बोला मैंने आपको कि फ्रंट एंड की अभी से आप वीक्स बनाओ फाइबर पर, चाहे आप यहाँ से बनाओ, यहाँ से नहीं होता तो जो कोडिंग के थ्रू थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा वो करो, फ्रंट एंड की सर्विसेज प्रोवाइड करो, आपका एक्सपीरियंस होगा ताकि बैक एंड तक जब तक हमने जाना है तब तक आपका फ्रंट एंड तो कम से कम एक्सपीरियंस हुआ होगा। और वो कैसे होगा जब क्लाइंट आपको काम बोलेगा भी ये करना है, आपके सिर में पड़ी होगी आपको पता होगा कैसे करना है। फाइबर पर बनाओ अपनी किंग्स, फ्रंट एंड की सिर्फ कि वेबसाइट डिज़ाइन करके दूंगा, डेवलप नहीं, बैक एंड नहीं करूँगा, सिर्फ फ्रंट एंड करूँगा। अब आगे चलते हैं, हेडर की समय लगी बनाइए। चुप हो जाओ, चुप, एक और चीज़ सुनो, अभी देखते हैं बात।
कलर की ऑप्शन भी है, इमेज की ऑप्शन भी है और वीडियो की ऑप्शन भी। कलर में जाके मैं कोई कलर भी चूज कर सकता हूँ बैकग्राउंड में, वीडियो में जाके मैं कोई वीडियो भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कोई वीडियो बैकग्राउंड पे चलाना चाहता हूँ, जस्ट लाइक देख लेते हैं आ सके तो लिंक पर दिला रहे हैं। हाँ भाई तो सच करो मौसम बाबा मौसम से बाबा मौसम से सर जो सा वीडियो है उसका एग्जाम ले लो केडी बाबा मौसम से करो सच। अच्छा करते हैं एक मिनट, मैं अभी क्या कर रहा हूँ इसको, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे इसको आके पेस्ट कर रहा हूँ। सो लेट्स सी, अब जैसे ही मैं इसको ये करूँगा रिव्यू करूँगा। जी सर आप पर्दा खुलवा दो। चलने नहीं रही, चल जाती है, रुकेगा कलेक्टर में चलेगी। नहीं वैसे ही चलनी चाहिए यार, नहीं चली दर्द कर दो नॉट वर्क और इंस्पेक्ट करके तो आई थिंक ये नहीं नहीं ये फिर वो इशू होगा उसका ना। नहीं यार मेरे ख्याल में जरा वो मोबाइल जरिए ऐड हो दिए ना वीडियो वो मेरा चल दिए नहीं ये जरिए बेच कर रहे कंप्यूटर सेव है मेरा वो भी हैंग होने लग पड़ा वो भी रज हैंग हो वीडियो मैं अभी फिलहाल ख़त्म कर रहा हूँ ठीक है।